जयपुर जंक्शन से 7 किलोमीटर दूर गांधीनगर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चमकाया जा रहा है। यात्री सुविधाओं के लिहाज से बनाए जा रहे इस स्टेशन के निर्माण कार्य पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गांधीनगर देश का पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। इस वजह से यह स्टेशन देश भर में अपनी खास पहचान रखता है। जयपुर जंक्शन से इस रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। जयपुर जंक्शन के साथ साथ गांधीनगर रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक बनाया जा रहा है। स्टेशन के एक हिस्से को पूरी तरह से खोदकर यहां पर एयर कॉन्कोर्स तैयार किया जा रहा है। गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर 2 नई बिल्डिंग का निर्माण प्रस्तावित है। सामने की ओर मुख्य इमारत G2 बिल्डिंग बनाई जाएगी। स्टेशन भवन में आगमन प्रस्थान लॉबी वेस्टिबुल बैगेज स्कैनर के साथ सुरक्षा जांच क्षेत्र हेल्प डेस्क क्षेत्र प्रस्थान हॉल शौचालय RPF कक्ष और हेड टीसी कक्ष आदि का प्रावधान रखा गया है। प्लेटफॉर्म एक पर अनारक्षित प्रतीक्षालय एग्जीक्यूटिव प्रतीक्षालय शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक्सेस कंट्रोल मेटल डिटेक्टर सिस्टम बैगेज स्कैनर सिस्टम प्रतीक्षालय रिटेल स्टोर मॉड्यूलर शौचालय सीढ़ियां लिफ्ट एक्सेलेटर आदि होंगे। स्टेशन पर 8 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर लगाए जाएंगे और दिव्यांगजनों अनुकूल सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि मेरे पीछे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं करीब 25 लोहे के गर्डर से बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर है और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर जो हम सुविधाएं एयरपोर्ट लॉन्च में देखते हैं वो तमाम प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर होंगी, जिसमें लोगों के यात्रियों के रुकने के लिए AC रूम्स होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे जो स्टेशन पर आते हैं उनके लिए क्रैच जैसी सुविधाएं होंगी और तमाम तरह की वो सुविधाएं जो एक एयरपोर्ट पर हमें दिखती हैं वो सुविधाएं यहाँ पर होंगी। आपको बता दें कि इस प्रकार का एक स्टेशन पहले तैयार हो चुका है, सूरत का वो रेलवे स्टेशन है। अब उसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अमृत भारत मिशन के तहत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को लेकर इस स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन की एक और खास बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन पर हरेक स्टाफ जो है वो फीमेल है। स्टेशन मैनेजर से लेके GRPF RPF तमाम वो स्टाफ है जो महिलाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भारत का दूसरा स्टेशन है, एक स्टेशन मुंबई में माटुंगा है, दूसरा ये स्टेशन है जो महिलाओं द्वारा पूरी तरीके से संचालित किया जाता है। यहाँ पे जो तमाम प्रकार की जो सुविधाएं मिलेंगी उनके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर कुछ हमारे साथ यात्री मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से एक एयरपोर्ट में हम देखते हैं जो बढ़िया बढ़िया सुविधाएं होती हैं हर एक के लिए आरामदायक और पूरी तरीके से एयर कंडीशन, अब वो आपको गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर मिलेगी आने वाले कुछ समय में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम लोग भी उसी का वेट कर रहे हैं। एटलीस्ट इतनी गर्मी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा यहाँ पे। एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज आ जाएंगी तो यात्रियों के लिए भी अच्छा ही रहेगा। अब जैसे जो गर्मी में ट्रैवल करते हैं, जिस हिसाब से राजस्थान में गर्मी पड़ रही है इस बार, उस हिसाब से जब गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी बना देगी तो सब ट्रेन से ही ट्रैवल करेंगे मोस्टली, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा इतना। तो हम सब भी उसी का वेट कर रहे हैं, प्रोग्रेस तो चली रही है, होप करते हैं जल्दी बन जाएगा एंड देन हम लोग उस सुविधा का फायदा उठाएंगे। आपको बता दें कि जब भी कोई गाड़ी लेट होती है तो सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती हैं वो छोटे छोटे बच्चों को और महिलाओं को आती हैं, और उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अब यहाँ पर तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जब भी कोई ट्रेन लेट होती है 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को करना पड़ता है। उन परेशानियों को दूर करने के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं होंगी, छोटे बच्चे हैं उनके खेलने के लिए क्रैच की व्यवस्था बनेगी, और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि महिलाओं द्वारा ही ये पूरा स्टेशन संचालित किया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं अपने बच्चों की बात की तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें भी थोड़ी परेशानी हो रही है बच्चों के साथ में, कि हाँ हम लोग भी वेट कर रहे हैं चीजें थोड़ी बेटर हो जाएं और हम लोग एनीवे बैठने का इजी हो जाएगा, तो हम लोग हाँ एनीवे वेट कर रहे हैं कि चीज अच्छी बन जाए। कैसा लगेगा आपको, क्योंकि आप लोग लगातार ट्रेवल करते हैं, जब यहाँ पर एक स्टेशन पे आपको एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी तो लगेगा? तो मेन स्टेशन में नहीं बैठ के तो यहीं से हम लोग ट्रेन लेंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे आने में भी इजी रहेगा, तो हाँ अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से आपने देखा कि तमाम यहाँ पर आने वाले यात्रियों का यही कहना है कि अगर उस प्रकार की सुविधाएं जो एक एयरपोर्ट पर होती है वो रेलवे स्टेशन पर मिलने लगेंगी तो जाहिर सी बात है सबको हम कह सकते हैं कि अच्छा एक अनुभव होगा
चीजें जो एयरपोर्ट पे वो लोग महसूस करते हैं, अगर यहीं पर एक आम यात्री को उस प्रकार की सुविधाएं महसूस करने का, उनका लाभ उठाने का मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सबको अच्छा ही फील होगा, यानी कि हम कह सकते हैं फील गुड का एहसास होगा। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बात करने के बाद जनता दरबार की टीम पहुंची रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के पास और उनसे जाना कि गांधीनगर स्टेशन पर हो रहे आधुनिकीकरण के अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे में और क्या कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है। अभी कुछ देर पहले हम गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखकर आए हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से एयर कॉन्कोर्स का निर्माण किया जा रहा है, यात्रियों से भी हमारी बात हुई थी, काफ़ी खुश हैं वो इस प्रकार के निर्माण को देखकर और भविष्य में जो सुविधाएं जो उनको मिलेगी उन्हें लेकर वो अभिभूत है। हमारे साथ में CPRO कैप्टन शशि किरण जी मौजूद हैं। सर, यात्रियों से तो हमने बात करी, काफ़ी वो खुश हैं इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे लिए इस प्रकार की लॉन्च जैसी सुविधाएं जो एयरपोर्ट पे होती है वो जैसी सुविधाएं जो एयरपोर्ट पे स्टेशन पे थोड़ा विस्तार में इस पूरे प्रोजेक्ट के थोड़ा विस्तार में इस गांधीनगर जयपुर स्टेशन का पुनर्विकास हम लोग गांधीनगर जयपुर स्टेशन का पुनर्विकास हम लोग 200 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। 77 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है और एयर कॉन्कोर्स का भी कॉन्सेप्ट और इसी एयर कॉन्कोर्स का भी कॉन्सेप्ट रख रहे हैं और इसी एयर कॉन्कोर्स के काम के कारण ही हमने 25 का ब्लॉक लिया जो है गर्डर जो स्टेनलेस स्टील 25 हेवी ड्यूटी गर्डर जो है गर्डर जो स्टेनलेस स्टील के हेवी ड्यूटी गर्डर की आधारशिला और उन्हीं गर्डर की आधारशिला पर ये लगभग 1600 स्क्वायर मीटर जिसमें कि लगभग 1600 स्क्वायर मीटर एरिया में और उसमें अलग अलग सुविधाएं जो है की जाएगी जिसमें उसमें यात्री सुविधाएं शॉपिंग मॉल की जिसमें की गेम्स है शॉपिंग मॉल्स की तरह जो है गेम्स फूड एरिया ऐसा एरिया हम डेवलप कर रहे हैं जो कि ऐसा एरिया हम डेवलप कर रहे हैं जो न सिर्फ यात्रियों के लिए होगा बल्कि जो आमजन है वो भी उस एरिया में आकर के वो भी उस एरिया में आकर के बिना टिकट लिए हुए उस एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, बिना टिकट एरिया में आए हुए वापस जा सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एक सिटी सेंटर की तरह डेवलप करना, स्टेशनों को एक सिटी सेंटर के रूप में तर्ज में हम विकसित करें ताकि जो तमाम सुविधाएं हैं जो कि आप किसी भी अच्छे कंट्री के स्टेशन पर देखते हैं वो हम वहाँ डेवलप कर सकें और राजस्थान के जो निवासी हैं उनको हम एक नई और अच्छी सौगात दे सकें। बिल्कुल सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान भर में उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत स्टेशनों का विकास हो रहा है तो अभी गांधीनगर के बाद में या गांधीनगर के साथ साथ और ऐसे कितने स्टेशन हैं NWR में जिनका इसी प्रकार से विकास हो रहा है? अगर सिर्फ गांधीनगर मतलब गांधी इस तरह के मेजर स्टेशनों के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो गांधीनगर जयपुर, जयपुर सांगानेर, अजमेर, आबू रोड, बीकानेर, पाली मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, इन सारे स्टेशनों का भी हम इसी तरह से मेजर तरीके से हम विस्तार कर रहे हैं जिसमें कि टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, कुछ स्टेशनों में अभी टेंडर अवार्ड होने बाकी है, बट मेजर जो हमारे स्टेशन से 7 जो स्टेशन से उन सबके ना सिर्फ टेंडर अवार्ड हो गए हैं, काम भी काफ़ी द्रुत गति से चल रहा है। पूरे भारतीय रेल में अगर के परिप्रेक्ष्य में भी हम अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे काफ़ी स्पीड से काम कर रहा है। मिशन एरिया है हमारा, हमारे महाप्रबंधक जो है मिशन एरिया हमारा, हमारे महाप्रबंधक लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अमिताभ सर जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वीकली रिव्यू करते हैं और इंस्ट्रक्शंस पे भी जाते हैं कि जब इन स्टेशंस पे भी जो परिकल्पना के अनुसार से स्टेशनों का जो परिकल्पना अनुसार से काम हो रहा है कि नहीं, परिलक्षित तयशुदा समय पर हम इनको परिलक्षित करके वाले बजट आने वाले रेलवे लास्ट वाले बजट आने वाला है रेलवे इस आने वाले बजट में रेलवे को क्या कुछ मिलेगा, इस आने वाले बजट में रेलवे को क्या कुछ मिलने की जैसा अभी इंटरिम बजट भी जो आया था जैसा अभी इंटरिम बजट भी जो आया था उसमें भी अनुसार से भी अभी हमारे दिया गया था उसके अनुसार से भी अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारे काम चल रहे हैं, सेफ्टी जो रिलेटेड है उसके अलावा सेफ्टी जो है चुकी हमारे कवच हमारी एक नई पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का होता है, कवच सबका बजट का देखते हुए इन सबका बजट का देखते हुए ना सिर्फ पूरा विश्वास है कि इस बार अच्छा बजट मिलेगा बल्कि पिछले सालों से ज्यादा बजट मिलेगा, हम काम भी उस हिसाब से ज्यादा और हम काम भी उसके साथ कर रहे हैं जो है बजट भी आवश्यकता होगी तो आई एम श्योर हमें जो है बहुत अच्छा बजट जो है हम जो हमने डिमांड की है वो हमें मिलेगा। ये थे हमारे साथ कैप्टन शशि किरण और साफ तौर से इनका कहना है कि न सिर्फ जयपुर के गांधीनगर स्टेशन बल्कि जयपुर के आसपास के और भी जितने स्टेशन हैं, खातेपुरा है, सांगानेर है और उत्तर पश्चिम रेलवे के अंदर और भी जितने स्टेशन आते हैं उनका भी इसी तरह से विकास किया जा रहा है और जाहिर सी बात है आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि राजस्थान में वर्ल्ड क्लास सुविधा वाले स्टेशन हम देख सकेंगे जिसका पब्लिक उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकेगी और एक आम जनता जिसका कहीं ना कहीं सपना होता है कि एयरपोर्ट लॉन्च जैसी सुविधाओं का वो लाभ उठाए वो अब रेलवे स्टेशनों पर ही उन तमाम सुविधाओं का लाभ उठा पाएगी और आने वाले बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को काफ़ी उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार भी उन्हें काफ़ी कुछ मिल सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।